सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा 2 महीने बाद ट्विटर पर लौट आए हैं। उन्होंने अपने फैंस से ट्विटर पर बातचीत की। इससे पहले कपिल ने 6 अप्रैल को ट्वीट कर अंदेशा जताया था कि कुछ लोग गलत तरीके से उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्वीट के बाद कपिल को लेकर कई विवाद शुरू हो गए थे। कपिल को शराबी बताया गया। उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने एक वेबसाइट के एडिटर को गालियां दी। तमाम विवादों के बीच कपिल शर्मा का नया शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा बंद हो गया। इसके बाद वो अचानक से गायब हो गए। कपिल के गायब होने के बाद तमाम अटकलें लगाई गयी। आखिरकार 2 महीने बाद ट्विटर पर देर रात लौटे कपिल ने घोषणा की है, मैं फैंस के साथ ट्वीट पर चैट करूंगा। कपिल के इस ट्वीट का फैंस ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। अपनी वापसी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, मैं जल्द नए शो के साथ वापस आने वाला हूँ। कपिल ने आखिरी ट्वीट में फैंस को ये भी बताया कि मैं अपना लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड नाइट ऑल। खबरों की माने तो कपिल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और इसका इलाज करवा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।